किसी कारण रोग लगने से हुई सोयाबीन की फसलें खराब, किसानों में उपजा आक्रोश, तहसील कार्यालय के बाहर जमकर की नारेबाजी, उचित मुआवजे की मांग, सैकड़ों किसानों ने तहसीलदार श्रीवास्तव को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुमासा तहसील के गांव अंबा और भरपूर के किसानों में उपजा आक्रोश, सैकड़ों किसानों ने सुमासरा तहसील कार्यालय पहुंचकर पहले तो जय जवान जय किसान के जमकर नारे लगाए, फिर तहसीलदार रश्मि श्रीवास्तव को ज्ञापन दिया। इधर सुहासा तहसीलदार डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव ने बताया है कि अंबा और भरपूर गांव के कुछ किसान अपनी खराब फसलों को लेकर के आए थे। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि किसी रोग से उनकी फसल खराब हो गई है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी व पटवारियों द्वारा यदि किसी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप से फसलों को खराब हुई होना पाई जाती है तो नियम अनुसार RBC 6/4 के तहत प्रकरण जाकर मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। किसानों ने ज्ञापन में बताया है कि हमारी सोयाबीन की फसलें किसी रोग लगने के कारण खराब हो गई है, जिनको लेकर के आज अंबा और भरपूर के सैकड़ों किसान आए थे और तहसीलदार को उचित मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया, सोयाबीन खराब के लिए ज्ञापन दिया गया है और मुआवजे के लिए दिया गया है कि हमारी फसल खराब हो चुकी है और गांव से सैकड़ों किसान आए हुए सभी ने मिलकर यहाँ पे तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के बाद में हमने मुआवजे की मांग की कि हमें मुआवजा उचित मुआवजा। कौन से गाँव से आए? अंबा से और भरपूर। कितने लोग आए होंगे? सैकड़ों लोग। तहसीलदार ने क्या जवाब दिया? तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया कि हम जाँच करवा रहे। मामले को लेकर आज किसानों ने ज्ञापन दिया मैडम? अंबा और भरपूर गांव के किसान कुछ खराब फसलों को लेकर आए थे, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि किसी रोग से उनकी सोयाबीन की फसलें खराब हो गई। क्या उचित आश्वासन दिया गया? उसमें जांच कराई जाएगी कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पटवारियों के द्वारा और यदि किसी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप से फसलें खराब होने पाई जाती है तो नियमानुसार RBC 6/4 के तहत प्रकरण बनाए जाकर मुआवजा राशि। क्या नाम है?